के साहगंज अंतर्गत संस्कार भारती शाखा साहगंज ने साहगंज क्षेत्र के पुमनापुर व सिधाई गांव के उधर बस्ती में जाकर वन राज का पूजन किया। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में उन्होंने लगातार गांव में जाकर उधर बस्ती में वन राज के रूप में लोगों का पूजन किया और उन्हें उपहार भी भेंट किया। आपको बता दें कि इसमें संस्था के संरक्षक अरविंद अग्रवाली, सुनील जायसवाल, अनिल मदनवाल, संजय गुप्ता, रुचि के रूप में बिंदेश्वरी प्रसाद केकर कमलों द्वारा उन्हें चंदन लगाकर उनका पूजन व उपहार दिया गया। आपको बता दें कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम अध्यक्ष श्रवण अग्रवाली के नेतृत्व में सकुशल सम्पन्न हुआ। समारोह में शुभ स्वरूप 5 बर्तन, खिचड़ी की सामग्री व अन्य खाद्य सामग्री दिया गया। इतना सम्मान पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सभी अतिथियों को अश्रुपूर्ण से विदाई की और उनके आंसू देखकर संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों में को भी आंखों में आंसू आ गए। बता दें कि इतना सम्मान उन्हें मिला कि वह गदगद हो गए। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक विकास साहू व आभार प्रदर्शन जायसवाल ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आनंद अग्रहरी, रचित चौरसिया, आनंद मुंदरवाल, कृष्णकांत सोनी सभासद, राम अवतार, दीपक सिंह पत्रकार, सीबू संजीव, राजकुमार विजय त्यागी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज संस्कार भारती द्वारा आपका पूजन किया गया, सम्मान किया गया। आज मकर संक्रांति का दिन है, इस पे आपको कैसा लगा, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? इस पे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो पूजमान का जो खिचड़ी का त्यौहार है मकर संक्रांति का, हमको बहुत खुशी हुई। आप लोग जो संस्कार भारती द्वारा जो पूजन किया गया, आपका सम्मान किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। संस्कार भारती के लोगों ने आपसे वादा किया कि आपका जो ये पत्तल का रोजगार जो है इसको आप न छोड़िए, बनाइए, मेहनत करिए और वो पूरा सहयोग करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ावा देने में, आपके पत्तल के बिकवाने में। तो आपका क्या लग रहा है कि आपका व्यवसाय बढ़ेगा? एकदम बढ़ सकता है। इसके लिए आप जो संस्था क्या कहना चाहेंगे? इसके वजह से तो हमारे जो हमारा रोजी रोजगार जो हम तो करना ही करना ही चाहते हैं।